हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विक्टोरियन लिटरेचर। इंग्लिश की एक बुक है विक्टोरियन लिटरेचर। ये बुक SOL सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही है, और सेमेस्टर थर्ड में अगर आपके पास BA ऑनर्स इंग्लिश है या फिर BA प्रोग्राम है तो आपके पास ये बुक ज़रूर होगी, विक्टोरियन लिटरेचर इंग्लिश की। ठीक है, अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाली है और बेनिफिशियल भी होगी। और ये सीरीज़ जो हम इंग्लिश की स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। हम तीनों यूनिट्स को डीपली कवर करने वाले हैं, तीनों चैप्टर्स को, तीनों यूनिट के सारे 6 चैप्टर मिलाकर। तो हम 6 के 6 चैप्टर को कवर करने वाले हैं अपने सिर्फ 3 लेक्चर्स में। ठीक है, और जितनी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, आप एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो ये मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ भाई, हमारे खुद के बनाए हुए सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं। अगर ये बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, ऑन स्क्रीन आपको नंबर शो कर रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके हमसे नोट्स भी बाय कर सकते हो। तो जिनको नोट्स बाय करने हैं फटाफट से जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नोट्स परचेज कर लेना। और आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 अपना विक्टोरियन लिटरेचर का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे यहाँ 3 यूनिट कराई जाएगी, मतलब कि बुक के अंदर जो है 3 यूनिट है बेसिकली। हम आज करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आएंगे, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 की एक वीडियो आएगी, चैप्टर नंबर 2 की जो है वो अलग वीडियो आएगी। टोटल 6 वीडियो आएगी, हर एक यूनिट में 2-2 चैप्टर हैं। तो आज फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं, जेन एयर नाम है जिसका। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जेन एयर। जेन एयर जो नाम है ये आर्थर चार्लोट बॉन्ट ने लिखा हुआ है ये चैप्टर। ठीक है, ये राइटर हैं, इनके ऑथर हैं आर्थर जो है, इनका नाम है चार्लोट बॉन्ट। यहाँ पे लिखा है जेन एयर बुक रिपोर्ट डिटेल एनालाइज बुक समरी लिटरेसी एलिमेंट और कैरेक्टर्स एनालाइज। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई है, वन सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करा गया है कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें कौन कौन से चीज़ें देखने को मिल सकती है। इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पर बुक समरी मिल जाएगी, आपको लिटरेसी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, कैरेक्टर्स एनालाइज मिल जाएगा, और कैरेक्टर्स के साथ साथ बायोग्राफी वगैरह इसमें एक नेसेसरी पोर्शन में दी हुई है। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले नैरेटर का ऑथर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑर्थर का नाम है जेन एयर। जेन एयर जो है एक गॉथिक नॉवल राइटर हैं, जिनका नाम है चार्लोट बॉन्ट। इन 1847 में इनका जन्म हुआ था, एंड ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द मेल पिसोडियम्स करियर बेल। इन्होंने ना काफ़ी सारे मेल पिसोडियम्स जैसे करियर बेल वगैरह की बुक्स जो है पब्लिश करी हुई है। आगे लिखा है इट वॉज पब्लिश्ड बाय द लंडन कंपनी स्मिथ एल्डर एंड कंपनी। इनकी जो बुक्स हैं वो सारी पब्लिश जो करी हैं वो वहाँ कर जो राइटर थे, वहाँ की जो कंपनी थी जिसका नाम था कंपनी एल्डर एंड कंपनी, उन्होंने पब्लिश करी थी इनकी बुक। तो आगे लिखा है उसके बाद द नॉवल इज सेट इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 19th century एंड रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल नेम्ड जेन एयर। कह रहा है ये जो स्टोरी है ये 19th century की है, और ये स्टोरी जो है एक यंग गर्ल जिसका नाम जेन है उसके आसपास घूमती है। यहाँ पे लिखा है हु इज ऑर्फन एट ए अर्ली एज। वो अपने शुरुआती टाइम से जब वो हुई थी छोटी सी तब से वो ऑर्फन में रहती है, मतलब कि वो एक अनाथ लड़की है। एंड सेंड टू लीव विद हर आंट, और उसको उसकी आंट के साथ भेजा जाता है रहने के लिए। जेन जो है एक तरह की यहाँ पर बताया है कि जेन का जो फेस है वो बहुत ही क्रूशल ट्रीटमेंट वगैरह से ढका हुआ है। यहाँ पर जो उनकी आंट है वो उनको स्कूल तक भी नहीं भेजती है। और लिखा है वंस शी कम ऑफ एज, जब वो उसकी एज में थी तो जेन सून डिसाइडेड टू एक्सपेक्ट ए पोजिशन एज ए गवर्नेस इन ए मैनर हाउस। वो कहती है जब मैं उनकी एज में थी तो मैं सोचती थी कि मेरे पास भी एक ऐसा पोजीशन होगी, ऐसी मतलब कि ऐसा घर होगा जिसमें मैं रहूंगी और मेरे साथ जो लोग हैं वो अच्छा बर्ताव करेंगे। बट अब क्या है ये पोजीशन जो है पूरी बदल चुकी है। बाद में जेन ये चीज़ ढूंढती है, डिस्कवर करती है कि कुछ सीक्रेट और कुछ ना अजीब से नरफीरियस जैसे कि कुछ अजीब अजीब एक्टिविटीज़ जो है उस घर में है। इट विल बी टेक ऑफ ऑल ओवर हर वेट्स एंड अनकवर हिज द मिस्ट्री। अब वो उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाह रही है कि जहाँ उसको भेजा गया है घर में, तो उस घर में क्या मिस्ट्री है वो सारा इसमें स्टोरी में है।
लिटरेसी एलिमेंट की बात करें तो इसमें लिटरेसी एलिमेंट में दिखाया है, इसका जो जेनर है वो एक रोमांटिक नोवेल और एक बिल्डिंग रोमांस टाइप का है। इसकी जो सेटिंग है पूरी की पूरी सेटअप की, वो हमारा नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में है, जहाँ पर 5 places में इसकी सेटअप हुई थी। पहला जो है वो गेटशेड हॉल था, दूसरा था लो हॉर्ड स्कूल, तीसरा आ जाता है थ्रॉनफील्ड हॉल, फिर फोर्थ है मोर हाउस, एंड चौथा जो आ जाता है इसका लास्ट जो है सॉरी फिफ्थ जो है वो है फ्रेंडेन। उसके बाद लिखा है लेट इन द रीजन एंड द किंग जॉर्ज थर्ड। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन पे रखा गया है। पहला पर्सन जो नैरेटर है जो स्टोरी राइट कर रहा है, नैरेटर ने यहाँ पर जेन एरे की जो स्टोरी है बायोग्राफी उसके बारे में डिफाइन करा है अच्छे तरीके से। नैरेटर ने जो टोन है वो एक रोमांटिक और गॉथिक टोन रखी है, ठीक है, एक सस्पेंस वाली मिस्ट्री और स्केरी टाइप की स्टोरी है। थोड़ा सा ऐसा मूड बन जाएगा जब आप इसको पढ़ोगे, थोड़ी सी मिस्टीरियस टाइप की कहानी है। इसका थीम जो है वो एक सिंपल है, बिल्कुल एक सिंपल गर्ल की लाइफ के ऊपर ही मेंटेन करके इसका थीम लिखा गया है, जो कि अपने खुद की लाइफ के कुछ स्ट्रगल से डिफीट कर रही है, लड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है समरी। अभी इस पोएम की जो समरी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले आप जैसे ही पोएम ओपन करोगे तो इन द बिगिनिंग में आपको देखने को मिलेगा कि जैन एरे एक यंग गर्ल है जो कि ऑफन में रहती है, जो कि अपने पेरेंट्स को खो चुकी है। उसको पेरेंट्स की याद भी नहीं आती क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस है उसकी। कह रहा है जैन जो है वो सिटिंग हो रखी है, बैठी हुई है शांति से और अपना पढ़ रही है अपने घर के अंदर। यहाँ पर उसकी एक वेल्थी आंटी है। अब यहाँ पर लिखा है बिकॉज ऑफ हर आंटी क्रूटली, उसकी जो आंटी है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ऐसी है जो उसको परेशान वगैरह करती है। जैन इज नॉट अलाउड टू प्ले विद हर कजन्स। जैन को उसके फैमिली के जो और बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने को मना करा जाता है। एलिजा जॉर्जियाना एंड जॉन, जॉन जो है एक लड़का है छोटा सा और एलिसा जॉर्जियाना एक लड़की है छोटी सी जो जैन से थोड़ी सी छोटी उम्र की है, उन दोनों के साथ खेलने को मना करा जाता है जीन को। आगे लिखा है फर्स्ट सीन में हम पढ़ेंगे कि जॉन जो है एक बुली बच्चा है जो कि अर्फन में रहने वाली जीन को परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा सताता है। आगे लिखा है जैन जो है वो फाइट कर रही है, उनसे लड़ रही है अकेले उन दोनों बच्चों से जो कि उनकी आंटी द्वारा रहे गए हैं। यहाँ पर जैन और जॉन जो है उसको एक कमरे में भेज देते हैं, उसकी आंटी का एक फेमस रूम है जैसे कि रेड रूम होते हैं ना, रेड रूम मतलब खतरनाक का भाई साइन होता है, तो रेड रूम जैसे में उसको भेजती है। रेड रूम इज व्हाट जेन कॉल्स द फ्राइटनिंग रूम वेयर हर अंकल डेड। कह रहा है रेड रूम उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो डरावना है और वहां पर उनके अंकल की डेथ हुई थी, मतलब कि वो खत्म हो गए थे उसी रूम में, तब से उसका नाम रेड रूम रख दिया गया था जहां पर आंटी जो है उनका हस्बैंड जो है वो मरा था। आगे लिखा है वंस इन अ रेड रूम, जब वो रेड रूम में जाती है तो जैन सीन व्हाट शी थिंक्स इन हर अंकल गोस्ट कमिंग्स टू टेक। अब जैन जो देखती है कि उनके जो अंकल जो मर गए थे उस रेड रूम में, तो अब वो घोस्ट बन चुके हैं और वो बदला लेने के लिए आगे आगे मतलब घूमते रहते हैं उस रूम में, उनकी आत्माएं वगैरह जो हैं वो रहती हैं। अब वो रिवेंज लेना चाहते हैं, बट वो रिवेंज किससे ले सकते हैं? यहाँ पे लिखा है जैन आस्क्ड फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ जैन एंड शी प्रॉमिस्ड हिम टू ही वुड जैन फेंट आउट ऑफ हियर। तो बोल के लाई थी कि जैन को मैं इस अनाथ आश्रम से निकाल के लेके जाऊंगी और यहाँ पे जितने भी ऐसी बुरी चीजें हैं जिनसे जैन का दिमाग खराब होता है तो वो सब चीजें जो है ठीक कर देगी। आगे लिखा है When Jane awakes, she is being treated by Mr. Lloyd, a kind of a act and the family doctor. कह रहा है जब जैन की आँख खुलती है, जब वो बेहोश हो जाती है उसके बाद उसकी आँख खुलती है, तो वो पाती है कि एक डॉक्टर जो है उसका इलाज कर रहा है। लिखा है मिस्टर लॉर्ड सजेस्ट टू जैन आंट एंड जैन बी सेंट टू ए एन गर्ल स्कूल। जो डॉक्टर होते हैं जो लियोड होता है वो बोलता है उनकी आंट को कि जैन जो है बड़ी हो गई है तो इनको बाकी बच्चों की तरह बाकी लड़कियों की तरह स्कूल में भेजा जाना चाहिए। जैन जो है उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मगर ड्यूरिंग द पीरियड जैन ओवर हेयर्स ए कन्वर्जेशन बिटवीन सम सर्वेंट्स एंड टेल हिम द मोर अनाउन पास्ट। जैन थोड़े दिनों बाद की बात है, जब वो नीचे जा रही होती है अपने घर में घूम रही होती है तो अचानक से उसको अपने नौकर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनकी आंट से बात कर रहे होते हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि उसका पास्ट कैसा रहा, वो लड़की कैसे मिली और ये लड़की किस तरह की है, तो उसके बारे में ही डिस्कशन हो रही होती है जो कि वो छुप के सुनती है। वो पाती है कि उसके पेरेंट्स जो है वो डेड हो चुके हैं, उसके पेरेंट्स ख़त्म हो गए थे और उसकी जो मदर थी, मदर जो है वो एक अपर रीड फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा पुअर टाइप के थे जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार करते थे। जैन के जो ग्रैंडफादर थे वो एक रोट करते थे, मतलब कि वो एक लेखक टाइप के थे, वो लिखा करते थे। आगे लिखा है असोन आफ्टरवर्ड, कुछ समय के बाद
जेन जो है वो अटेंड करने जाती है लॉवर्ड स्कूल। लॉवर्ड स्कूल में उसको एडमिशन मिल जाता है। इमीडिएटली शी इंट्रोड्यूस टू मिस्टर ब्रॉकहर्स्ट। ब्रॉकहर्स्ट जो है उनके हो सकता है टीचर हो सकते हैं, अभी आगे बताएंगे आगे क्या है। ए हैवली रिलीजन मैन, एक आदमी है ब्रॉकहर्स्ट जिससे वो मिलती है। आगे लिखा है वो कीन डिसलाइक टू राइट जेन में, वो ना थोड़ा थोड़ा उसको नापसंद करता है जेन को, एक तरह से मतलब कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। After Jen aunt tells to the Jen is a chronic liar, वो ना जो जैन की आंट होती है वो पहले ही जाके बता देती है उस सर को या फिर उस आदमी को कि जैन एक नंबर की झूठी लड़की है, ये अगर कोई भी बात बोले तो उस पर विश्वास मत करना, ये झूठ बहुत बोलती है मतलब। तो मिस्टर ब्रॉकहर्स्ट जो होते हैं ना वो वार्न कर देते हैं जैन को कि अगर तुम मुझे भी इस तरह से झूठ बोलना चाह रही हो या मुझे इंटेंड करना चाह रही हो तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं ऐसे तरह का टीचर नहीं हूं। कहने का मतलब है कि वो उसके टीचर होते हैं। आगे लिखा है जैन इज इंट्रोड्यूस टू हर क्लासमेट्स एंड द बेस्ट फ्रेंड्स ए नेम इज हेलन बर्न्स। जैन को बाकी क्लासमेट्स से इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसमें एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है हेलन बर्न्स, जो कि जैन की एक बेस्ट फ्रेंड भी बनी है। आगे लिखा है जैन की बेस्ट फ्रेंड जो होती है हेलन बर्न्स ए स्टूडेंट डेट देयर टीचर मिस्टर स्ट्रैच सीम्स पर्टिकुलरली क्रूअल टुवर्ड। वो कहती है कि किस तरह से एक टीचर जो है वो इतना बुरा और भद्दा व्यवहार कर सकता है किसी के साथ। Through Helen James, learned that the lower school charity provided orphan girl. कह रहा है ये जो स्कूल में तू आई है ये स्कूल ऑर्फन के लिए है, ये किसी प्राइमरी स्कूल की तरह या किसी अच्छे सेकेंडरी स्कूल की तरह नहीं है जहाँ पर अच्छे लोगों के घर वाले बच्चे पढ़ते हैं, ये एक ऑर्फन स्कूल है जहाँ पर लोगों को डाला जाता है। तो मतलब कि तेरी आंट ने तेरे को एक ऑर्फन स्कूल में डाला है, हेलन जो है जैन को बताती है। ब्रॉकहर्स्ट जो है वो एक हेडमास्टर है उस स्कूल के। यहाँ पर लिखा है कि जैन सून फाइंड टू कंडीशन द स्कूल। जैन थोड़ी देर बाद समझ जाती है कि स्कूल की कंडीशंस जो है वो क्या है, स्कूल्स को क्या क्या चीज़ चाहिए। अब गर्ल्स जो है वो यहाँ पर डर रही होती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, उनका टेम्परेचर ओवरवर्क, इतना काम कराया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उससे होती हैं। जैन देखती है बाद में कि वो अपने फ्रेंड्स हेलन के साथ कंफर्टेबल है, उसकी फ्रेंडशिप ठीक ठाक है। आफ्टर कुछ मंथ जब बीत जाते हैं तो शी टोल्ड द मिस्टर ब्रॉकहर्स्ट विल द रिटर्निंग टू स्कूल सून। वो कहता है कि आपको जल्दी से एक नए स्कूल में, अच्छे स्कूल में भेजा जाएगा वापस से। जैन चिंता कर रही होती है कि जो टीचर है क्या वो झूठ तो नहीं बोल के गया उससे, बट वो थोड़ा सा नर्वस भी होती है और वो उस बात को मान जाती है। वो एक एक्सीडेंट की तरह ड्रॉप कर देती है उसे और अलग अलग स्टेट में फ्रंट में जैसे कि मिस्टर ब्रॉकहर्स्ट होते हैं। आगे लिखा है ही लॉस हिज टेंपर इन ऑर्डर टू जेन टू स्टैंड अ स्टूल एंड रेस्ट ऑफ द डे व्हाइल टेलिंग द अदर स्टूडेंट दैट ही शी वाज अ लायर। अब वो क्या करते हैं, वो जैन को एक पनिशमेंट दे देते हैं और बोलते हैं अपने स्टूल पर खड़ी हो जा पूरे दिन के लिए। अब पूरे दिन वो खड़ी रहती है और बोलते हैं कि तुम्हें किसी और दूसरे बच्चे से बात तक नहीं करनी और ना कोई बच्चा इससे बात करेगा क्योंकि एक ही नंबर की झूठी है, एक नंबर की लायर और फरेबी लड़की है, ठीक है। तो ऐसा मिस्टर ब्रॉकहर्स्ट जो होते हैं जैन की इमेज बना देते हैं स्कूल क्लास में अंदर। लिखा है ही फॉरबिड्स एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम टॉकिंग टू हर। सारे जो लोग हैं वो कतराते हैं उससे बात करने से, उससे दूर रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर हमने इससे बात करी तो हमें भी पनिशमेंट किया जाएगा, मगर हेलन जो है वो जैन की फ्रेंड है, वो इन बातों पर बिलीव नहीं करती कि मिस्टर ब्रॉकहर्स्ट ने क्या कहा क्या नहीं। वो जानती है कि वो थोड़ा लालची टाइप के हैं, सोल्जरेटी हैं और अपनी फील अपनी चिंताएँ ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। वन टीचर, एक टीचर मिस टेम्पल हेयर्स जैन अकाउंट टू द स्टोरी एंड इंट्रैक्शन विद द मिस्टर ब्लॉकहर्स्ट क्रूर ट्रीटमेंट एंड हैंड द आंट इन द पिटी ऑफ द हर। वो एक बार देखती है, मिस टेम्पल जो है वहाँ की टीचर है, एक बार वो उसकी स्टोरी ऐसे मतलब कि देखती है सब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, तो वहाँ पर उसको जैन का नाम मिलता है, तो वो जैन के बारे में और जानना चाहती है, लड़की कहाँ से आई है, क्या काम है, क्या करती है। तब वो पता चलता है उसको कि उसकी एक आंटी है जिसने इस मेंटल स्कूल में उसको डाल दिया है और यहाँ पर जो मिस्टर ब्रॉकहर्स्ट है उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। तो जो टेम्पल है वो अनाउंस करती है कि जैन जो है वो एक इनोसेंट लड़की है, झूठी नहीं है बिल्कुल भी, जैसी उसकी इमेज बनाई जा रही है लोगों के बीच में, जो सर ने बना दिया और जो उसकी आंटी ने बनाई है, वो लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक और सही लड़की है। आफ्टर जैन स्टार्ट द वार्म अप एंड द स्कूल बिकम ए बेटर स्टूडेंट। अब वो जो स्कूल है लोलहुड, वो अब एक बेटर स्टूडेंट के रूप में जैन को देख रहा है। अब वहाँ पे सारे बच्चे जो हैं जैन से बातचीत करने लग जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी ठीक है, उसको इमेज ऐसी बना दी है। अब यहाँ पर कुछ टाइम बीतता है, स्टार्ट कन्वर्जेशन होती है, हेलन जो है वो अपना काम करती है, इसी तरह से दिन बीतते हैं। उसके बाद लिखा है जैन स्निक्स इनटू मिस ट्रिपल रून एंड द सी हेलन हेलन चीयर्स टू द डेड इट्स ए पेन। अब ना वहाँ पर क्या होता है, वो देखती है कि जो हेलन है, हेलन का एक ट्रीटमेंट चल रहा है, हेलन बहुत दर्द से रो रही है और जो मिस टेम्पल है वो उसको चीयर कर रही है, उसको बोल रही है बेटा तेरे जो कुछ नहीं होगा मैं साथ हूँ।
जैन जो है वो इस चीज को देखकर थोड़ा बुरा फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हेलन है वो खत्म हो जाती है। अब जो उसकी फ्रेंड है ना जिसके साथ जैन रहती है सबसे ज्यादा, वो जैसे ही सुबह उठ के देखती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो खत्म हो जाती है। जो हेलन है वो मर चुकी है। आफ्टर हेलन डेथ, हेलन जो है मर गई है। अब लॉहुड में इन्वेस्टिगेशन चलती है उस ट्रीटमेंट की, कि जो ट्रीटमेंट हुआ था वो स्कूल में किस तरह का था कि हेलन को मार दिया गया। अब जैन इस चीज को लेकर इम्प्रूव करना चाहती है कि नेक्स्ट 6 साल के अंदर जो उसने पढ़ा है, आफ्टर 6 ईयर्स की जब उसकी उम्र होती है तो वो देखती है कि जो लॉलुड एज अ टीचर जिसको वो मान रही थी, बट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ टचिंग एट लॉलुड, वो इतने साल तक वहाँ पढ़ी रही और उसने डिसाइड किया कि मैं जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर वो सब चेंज करूँगी, थोड़ा सा बदलाव लाऊंगी। ए मेनर हाउस कॉल्ड थ्रोन फील्ड एक्सेप्ट हर, वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बुरी हैं। बट बिफोर लीविंग टाउन, में टाउन को छोड़ने से पहले जैन रिसीव करती है एक विजिट आंट सर्वेंट, वो कहती है मैं अपनी माँ के पास, मतलब कि उस आंटी के पास एक बार ज़रूर जाऊँगी जिसने मेरे को इस जगह पर छोड़ा है। शी डिस्कवर जॉर्जियाना, वो कहती है मैं जॉर्जियाना को भी ज़रूर ढूंढूंगी और इन सब के बारे में एक डिटेल्स एनालाइज करके मैं हर चीज़ का पता लगाऊंगी। Eliza telling his mother and John has fallen into a hard life is यहाँ पर लिखा है debenture। जो John है ना वो अब एक शादीशुदा हो चुका है, John बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पर कि John अपनी एक hard life जी रहा है बहुत ही ज़्यादा। वो बताती है कि जो उसके फादर थे John Array showed up यहाँ पर लिखा है 7 years earlier when he told that she was not went to the island of coast of Morocco। इन्होंने लिखा है कि वो जो मोरक्को की उन्होंने फॉर्च्यून बताई थी, उन्होंने ना उसके पापा थोड़े अंतर्यामी टाइप के थे जेन के, तो वो भविष्यवाणी और ये तांत्रिक विद्या वगैरह जानते थे, तो वो ये सब पहले ही बता चुके थे कि आगे मोरक्को में होगा क्या, इन फॉर्च्यून उन्होंने पहले ही ढूंढ लिया था सब चीज़। आगे लिखा है सेकंड सेक्शन में ये होता है कि जो जैन है वो ग्रेटेड करती है बाय फेयर फॉक्स एंड हाउसकीपर ऑफ ए मैनर। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है कि वो जो अब वुमेन है मिसेस फायर, यहाँ पे फेयरफैक्स लिखा है, मिसेस फेयरफैक्स इज एन एग्रीएबल वुमेन, वो उस चीज़ से एग्री होती है। एंड शी गिव्स ए जैन टूर टू हाउस एंड ग्राउंड, वो बोलती है कि ठीक है अब वो जो घर है ना जिसमें जैन पहले रहती थी वो बेच दिया गया किसी दूसरी महिला को, वो हाउसकीपर है वहाँ की, ठीक है मैनर की, वो उस घर में जाके अब सारी चीज़ें दोबारा चेक करना चाह रही है। वो उसके ऑनर जो है अब वो मिस्टर फेयरफैक्स है, वो उनसे बोलती है कि मैं इस बचपन में रहा करती थी और इस घर का मेरे को थोड़ा सा जानना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं हर रोज यहाँ पे रहती थी तो मेरे को एक टूर करना है। तो यहाँ पर वो हंसती हैं, थोड़ा सा हंसने के बाद वो सोचती हैं चलो ठीक है, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन जब कर देती है वो बोलती है ठीक है आप इसमें जाके देख सकते हो बट यहाँ पर कुछ छेड़खानी करना मना है। अब वो बोलती है ठीक है मैं कुछ छेड़खानी नहीं करूँगी। आगे लिखा है ए यंग फ्रेंच गर्ल जिसका नेम होता है एडेल, उसकी मदर होती है जो कि सिंगर और डांसर होती है। जैन एंजॉय टीचिंग एडेल, अब जो जैन है ना वो अब पढ़ाने लग चुकी है, बड़ी हो गई है ना तो वो पढ़ाने लगी है, और जो पुरानी फैमिली थी जॉर्जिया और जैक वगैरह वो सब वहाँ से निकल गए हैं, बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए, सब चले गए हैं। अब यहाँ पर पास्ट मतलब कि दूसरा स्टैंडर्ड जो आया है यहाँ पर जो बच्चा है जैन वो बड़ा हो गया है, आगे उसका फ्यूचर बता रहे हैं कि आगे लिखा है फाइंड द गर्ल टू बी ब्राइट एंड फनी एंड बिट स्पॉइल्ड, कहते हैं कि मेरे साथ ना एक काम करो, हम एक डील करते हैं, मेरे को एक लड़की को ढूंढने का है जिसका नाम है जॉर्जियाना, उसको हमें ढूंढना है, ठीक है तो मिलकर उसकी हेल्प के वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वन डे जैन आउट ऑफ वॉकिंग द ग्राउंड एंड पास्ट ए मैन ऑन ए हॉर्स, एक बार की बात है जैन ने अपने वहीं से जैसे वो आती है पढ़ा के वापस आ ही रही थी रोड पे, तभी उसको दिखता है कि एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ उसके बगल से गुजरता है। द हॉर्स स्लिप्स एट द पैच एंड द आइस मैन वाज अनसीटेड एंड फॉलन ऑन ग्राउंड, जो हॉर्स है उसका थोड़ा पैर स्लिप होने की वजह से अचानक से घोड़ा गिर जाता है जमीन। वंस शी गेट बैक शी इज टोल्ड दैट मिस्टर रोस्टर हैज रिटर्न फ्रॉम द ट्रेवल्स एंड फाइंड आउट डैम ही वॉज ए मैन हेल्प्ड आफ्टर फॉलिंग ऑफ हिज रोज। अब कह रहा है कि जब वो आदमी जो है वापस मुड़ता है तो उसको देखती है, तब उसको पता चलता है तो मिस्टर रोचेस्टर है जो उसको पढ़ाया करते थे। अब मिस्टर जो रोचेस्टर है वो जैन को लिखा है यहाँ पे मिस्टर रोचेस्टर एंड जैन डू नॉट इमिडिएटली गेट अलोंग, वो एक दूसरे को अभी नहीं जानते। ही इज़ वेरी कोल्ड एंड रूड टूवर्ड जैन, मिस्टर रोचेस्टर हैज़ सम टाइम्स ए सैड पर्सनल हिस्ट्री, कह रहा है कि उनकी एक पुरानी व्यथा है जो कि एक बुरी दर्दनाक कहानी है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो एक तरह के सर्वेंट थे, बहुत ही ज़्यादा शाई नेचर के थे। यहाँ पर फेयरफैक्स टेल्स करती है, बताती है, अब वो फेयरफैक्स से पूछती है कि रोचेस्टर जो है
घोड़े पे एक आदमी मिला था, वो क्या है, वो कौन है? तो वो उसके बारे में बताती है कि वो जो है एक मेंटल स्कूल टीचर है जो तुम्हें पढ़ाया करता था छोटे, पर वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है, ठीक है। तो ये कहानी आगे चलती है, पूरी कंटिन्यू करते हैं। आगे लिखा है उसके बाद, ही ओनली इनहेरिटेड थॉर्न्स फील्ड आफ्टर ए ओल्डर ब्रदर, ही हैड डैड आफ्टर बिफोर दैट ही वॉज नॉट ट्रीटेड वेल बाई हर फदर फादर। कहता है कि वो जो है पहले ही खत्म हो चुका था उसका भाई, और ये अब बचा था क्योंकि यहाँ पर ना उसके पिताजी का अच्छा इलाज ना होने की वजह से उसको ऐसा दिखता है। आगे लिखा है, सन्स मिस्टर रिचर्ड स्टार्ट टॉकिंग विद जेन मोर, वो उसके साथ और बात करना चाहते हैं और बात करते हैं। आगे लिखा है, रिक्वेस्टिंग हर प्रेजेंस अल्थोट शी डजंट अंडरस्टैंड वाई, वो पता नहीं क्यों बात करना चाहते हैं बट वो करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैन जो है वो कन्वर्जेशन अकवर्ड होती है, बहुत ज़्यादा बोर होने लगती है। जो रिचर्ड होते हैं वो रिवील करते हैं जैन को कि किस तरह से उनकी जो मदर्स थी वो हुई थी, उसके पापा एडिली, उनके बारे में बताते हैं। ही डिक्लेयर्स दैट ही हैड ए गर्ल फादर, वो कहता है कि मेरे पास भी एक लड़की थी जो कि तुम्हारे जैसी थी। आगे वो बताता है, बट वो तुम्हारे जैसी दिखती नहीं थी, वो थोड़ी सी अलग थी। उसके लिखा है कि उसका कोई अफेयर था वो कि अलग दूसरे किसी आदमी से, जो कि उसका अफेयर भी था। अब यहाँ पर जो उसका स्कूल टीचर है ना, जो पुराना उसका रूडली स्कूल टीचर था जिसने उसकी इमेज खराब बनाई थी, वो अपनी बेटी के बारे में बता रहा है। बट ही पिटाइटेड एडिले एंड वैन ही मदर्स अबॉर्नमेंट एंड हर फादर एंड द हाउस इंग्लैंड ऑफ द केयर ऑफ हर, कहता है कि वो उसको एक अनाथ से घर में पाई गई थी, जो कि एक अनाथ सा बड़ा सा घर था बहुत बड़ा, वहाँ पर उसको मिली थी उसकी बेटी। कह रहा है दैट नाइट, वो नाइट जो थी जेन जो है वो झूठ नहीं बोल रही थी, जो भी कन्वर्जेशन कर रही थी मिस्टर रोचर्ड जो है उसको सुन रहा था। शी हेयर्स ए स्ट्रेंज, वो उसको एक स्ट्रेंज की तरह सुन रही थी। सारी चीज़ें सुनने के बाद आगे देखा, सी स्मोगिंग कमिंग एंड द अंडर एट मिस्टर रोचर डोर, अब वो मिचेस और रोचर्स के घर चली जाती है, वहाँ पर उनके रूम पे जाने के बाद उसकी सारी कहानी सुन रही है आगे की। सी एंटर, यहाँ पे लिखा है, शी एंटर्स हिज रूम एंड फाइंड द बेड कर्टेन्स विद द लिट एंड फायर, वो देखती है कि उसके बेड पर जब वो चढ़ती है तो वहाँ पर कुछ ऐसे नीचे रखे हुए ऐसे कर्टेन्स हैं जो कि जले हुए हैं, पर्दे वगैरह। आगे लिखा है, थिंकिंग क्विकली, वो सोचना स्टार्ट कर देती है कि ये जो कर्टेन है वो किस तरह के हो सकते हैं, क्या इसको बुझाया गया है या आग लगी है इसमें। तो यहाँ पर जो रोस्टर्ड है वो रूम को वहाँ से निकल जाता है, इमिडिएटली टू विजिट ए टॉप ऑन द हाउस, अब वो सबसे ऊपर वाली छत की फ्लोर पे जा रहा है। आगे लिखा है, रिटर्न द मिस्टीरियस टैल जेन, अब जो जेन है उसके पीछे पीछे जाके फॉलो कर रही है उसको, मगर वो वहाँ पर पाती है कि उसको कुछ सूझ जाता है, कुछ एक विचार एक थॉट आता है अचानक से। आगे लिखा है, ही रिट्रेट्स द सेम लाई दैट मिस्टर फेयरफॉक्स ही टोल्ड द अर्लियर एंड द लाफ्टर शी हर्ड, अब वो कहता है कि जहाँ पर तुम रह रही हो ना, जहाँ पर तुम फेयरफैक्स के बारे में जानना चाह रही हो, फेयरफैक्स से सारी चीज़ें पूछ रही हो, तो फेयरफैक्स तुम्हें झूठा बहला रही है। वो इस चीज़ को सुनने पर हंसने लग जाती है कि फेयरफैक्स ने उसके बारे में पहले ही बताया था कि वो हमेशा भी ऐसे रहेगा। आगे लिखा है, That it was androgynic seemed stress leaving and the home thanks to Jane wishes her good night. अब जो जेन है उसको गुड नाइट करती है और वहाँ से निकल जाती है। अगली मॉर्निंग जेन को ये पता चलता है कि जहाँ पे वो एक रात पहले गई थी उस रात पे वहाँ पर जो कैंडल्स वगैरह जली हुई हैं, और सरप्राइज्ड ये है कि वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे रूमर्स और वहाँ पे बहुत सारे साइन वगैरह लगे हैं, और टॉप फ्लोर में जहाँ पे वो उस आदमी के साथ रात को गई थी वहाँ पर जो रोचर्ड है ना वो वहाँ पर देखता है कि डिसअपॉइंटेड बैठा हुआ है। और उसी जगह पर जो हाउस है वो सर्वर डेज, काफ़ी सारी कंपनी आ गई है, वुमेन है एक जिसका नेम है बेल्च एंगेम आ गई है। उसके बाद लिखा है, जेन इनिट्रली बिट्रेड्स हर फॉर ए रोमांटिक थॉट्स एंड रोचर्ड्स एंड वॉज टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द वे, वो देखती है कि जो वे मैं सोच रही हूँ ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब होता ही है कि वो जो इमेजिन कर रही है ना, वो लड़की खुद के दिमाग में इमेजिन कर रही है। पहले तो उसकी दोस्त खत्म हो जाती है जिसका नाम है हेलन, फिर अब दूसरी कहानी है कि जब उसको रिचर्ड मिलता है बुढ़े व्यक्ति के रूप में, तो रात में उसके साथ रहती है, बात करती है, और सुबह उठ के जब जाती है वहीं पे तो दिखता है कि वहाँ पर एक कंपनी बनी हुई है, जहाँ कंपनी में एक औरत है जिसका नाम है बेल्च एंगेम, और यहाँ पर ये जो औरत है ये है और कोई भी नहीं है वहाँ पर, कोई जो सोच रही थी वो सब बेकार था। अब उसको पता चल जाता है कि जो सोच रही है वो स्टॉप थिंकिंग सोचना रोक देती है, उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है मेरे साथ। रोचर्स कम बैक टू द शॉर्टली एंड कंपनीड ए ग्रुप एंड गेस्ट फॉर द रिच अपेयर द पीपल एंड द बैलेंस इंग्रेम, अब उसे दिखता है कि जो वो टीचर है ना वो वापस उसी होटल में जा रहा है जहाँ पर वो पहले कल रात को लेके गया था उसे, तो उसी जगह पर वो बेल्च से मिलता है जहाँ पर वो औरत है। आगे लिखता है कि ये जो है एक तरह का एक सेटअप है, एक फिक्शन है जो सोच रही है इमेजिन कर रही है। अब वो वहाँ पर ही फंस जाती है, खिड़की के पास जो देखती है ऑब्जर्व करती है, कुछ ग्रुप्स बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। आफ्टर ए शॉर्ट वाइल, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर ए
शॉर्ट टाइम, तो कुछ टाइम के बाद जो रोचर्ड है वो स्टॉप कर देता है वहाँ पे सुनना वगैरह। आगे लिखा है वो उसको इंसिस्ट करती है, उसके साथ साथ चलने लगती है, पार्टी इवेंट्स वगैरह फॉलो करती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है कि मेंशन वगैरह में जाती हैं, गेस्ट वगैरह बनती हैं और उसके साथ घूमना फिरना और नाइटमेयर के सपने वगैरह उसको आते हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंड में लिखा है टू सिस्टर नेम्ड डियाना एंड मैरी एंड ब्रदर जॉन लिव्स इन ए हाउस टुगेदर। जॉन जो है उनके साथ रहने लग जा रहा है। जॉन जो है वो फाइंड करता है कि कुछ चैरिटीज वगैरह स्कूल वगैरह में वो वर्क करने लग गया है जहाँ पर वो बड़े हो गए हैं। तो उसके बाद उसके साथ साथ उसकी सिस्टर वगैरह जॉर्जियाना वगैरह उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होती है। अब इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं पहले आप वो समझो, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें लिखा है पहला कैरेक्टर है एक जेन एयर का। जेन एयर एक ऑर्फन गर्ल है जो कि बहुत शाई है, लोगों से डरती है और वो जो है एक मिस्टीरियस दुनिया में है जहाँ पर अलग अलग तरह के ख्याल वगैरह उसको दिखाई देते हैं। फिर आता है दूसरा जो इनका रोल है, कैरेक्टर है, वो आता है मिस रोचेस्ट का। रोचेस्ट जो है एक टीचर की तरह है जो कि मेंटल स्कूल में होते हैं, जो कि एक बहुत ही डरावना और एक झूठा व्यक्ति है, ठीक है, जो कि एक टेरेबल है, लंबा चौड़ा एक झूठा व्यक्ति है। फिर तीसरा आता है मिसेस फेयरफॉक्स का। फेयरफॉक्स जो है एक हाउसकीपर है जिस हाउस में पहले जेन और जॉर्जियाना और बाकी जो एक तीसरा जैक तीनों रहा करते थे, तो उसी हाउस के हाउसकीपर है, वो लोग चले गए हैं। फिर आता है एडेल वेंस जो कि एक स्वीट सी एक फ्रेंड है, एक ट्यूटर की तरह है जो कि पढ़ाती थी। किसको पढ़ाती थी? रोचर्स के बेटी को पढ़ाया करती थी। फिर जॉन रिवर्स आता है। जॉन रिवर्स जो है कज़न है जो कि जॉर्जियाना का कज़न था। फिर उसके बाद इसकी मिसेज रीड यहाँ पर लिखा है कि जेन जो है वो एक क्रूशियल तरह की आंट थी उसकी, ठीक है, तो मिसेज रीड उसी को बोला गया है। बायोग्राफी में हम बात करते हैं कि बायोग्राफी जो है बॉर्न इन यॉर्कशायर इंग्लैंड इन 1815 चार्लोट बॉन्ट ने एक 3 फेमस नॉवल लिखी है सिस्टर्स के ऊपर। यहाँ पर लिखा है शी वाज ए नॉवलिस्ट एंड पोइट। मिस्टर फेमस नॉवल लिखी है जिसका नाम है जेन एयर, जहाँ पर उसे कुछ कमर्शियली और कुछ जियोगेट गोथिक नॉवल जैनर्स से बताया गया है। आगे लिखा है चार्लोट सो सक्सेस इन द लाइफ टाइम। उन्होंने बहुत सारी सक्सेस देखी है जिसकी वजह से इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा नामचीन जो है अर्थर कहलाते थे। और इन्होंने जो अपनी राइटिंग स्किल्स है उसके लिए एक एलिजाबेथ जो वहाँ की राजकुमारी थी तो वहाँ के लिए भी एक मास्टरपीस लिखा था। चार्लोट ने मैरिड हुए थे जब इनकी शादी हुई थी, तो 1854 में इनकी शादी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नोबल पुरस्कार जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड्स वगैरह जीते थे। आगे लिखा है उसके बाद 1855 के अंदर जो उनकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जो प्रेगनेंसी की वजह से ख़त्म हो जाती है एंड डेड हर अनबोर्न चाइल्ड। उनका बच्चा और उनकी जो वाइफ है दोनों के दोनों जो है ख़त्म हो गए थे March 31st को 1855 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई इसकी कुछ समरी अभी रह रही है जो इसमें मैंने अभी कवर नहीं करी है क्योंकि ज़्यादा लंबी थी, तो अगर आप नोट्स बाय करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। और बाकी पूरा है स्टोरी आपको पूरी इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है जितना मैंने बताया। थोड़ा है एडिशनल जोड़ रखा है कंटेंट इसमें, बाकी वो रीड करना चाहते हो नोट्स बाय कर सकते हो, बुक से कर सकते हो आप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारा करा दिया है कवर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट 1st का चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, ठीक है। ओके बाय। अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स को बाय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।